ओलिगोपोली हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, ओलिगोपोली हमने अभी तक देखो डिस्कस क्या क्या किया एक बार देख लीजिए और सभी के बारे में कुछ बात करूंगा। हमने पहले पढ़ा परफेक्ट तो परफेक्ट में आपने पढ़ा परफेक्ट कंपटीशन में कुछ खास था, क्या खास था यहाँ पर इसमें क्या है, मैनी बायर्स मैनी सेलर होमोजीनियस प्रोडक्ट और क्या फर्म इसमें क्या फर्म प्राइस टेकर होती है, इंडस्ट्री आपके प्राइस मेकर होती है, जहाँ डिमांड है सप्लाई एक दूसरे की और वहाँ प्राइस अपने डिसाइड हो जाते हैं। यहाँ पर आपका क्या नहीं होता, यहाँ पर आपकी सेलिंग कॉस्ट नहीं होती, ठीक बात है ओके। परफेक्ट कंपटीशन के बाद आपने पढ़ा मोनोपोली, यहाँ पर आपने पढ़ा था कि एक फर्म होती है एक आपकी इंडस्ट्री होती है। मोनोपोली में आप पढ़ा कि फर्म और इंडस्ट्री में कोई डिफरेंस नहीं होता, एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या यहाँ पर सप्लाई को भी नहीं होता, और क्या पढ़ा था प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करता है ये। एक और क्या पढ़ा था आपने यहाँ पढ़ा था परफेक्ट कंपटीशन में, क्या पढ़ा था परफेक्ट कंपटीशन में आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था शॉर्ट रन में आपके तीनों कमाते हैं, लॉन्ग रन में आपके सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट। मोनोपोली में आपका क्या कमा रहा था, सब कुछ कमा रहा है, मतलब उसमें नॉर्मल में क्या कमा रहा है, अब नॉर्मल या सुपर नॉर्मल। मोनोपोलिस्टिक में तीनों और लॉन्ग रन में नॉर्मल, ये पढ़ा था अभी तक आपने, ठीक है। वहाँ पर आपने फर्म के उसको मतलब उसको ग्रुप को क्या बोला था, ग्रुप बोला था है ना, एक जगह बोला फर्म इंडस्ट्री, एक बोला फर्म और इंडस्ट्री सेम होती है, एक जगह बोला फर्म और ग्रुप। अब ओलिगोपोली आई जो आपकी, ओलिगोपोली मोनोपोली, अच्छा इस दोनों को क्या बोलते हैं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, इसको क्या बोलते हैं, इन दोनों का क्या है, मतलब परफेक्ट कंपटीशन प्लस मोनोपोली क्या बनाइए, मोनोपोलिस, इसको क्या बोला फ्यूजन, क्या बोला गया फ्यूजन बोला गया, हमने पढ़ा था। और आज जो पढ़ रहे हो वो पढ़ रहे हो आप ओलिगोपोली, ओलिगोपोली में क्या आपके फ्यू सेलर और मैनी बायर, ये भी आपकी रियल लाइफ आपकी इंडस्ट्री है, जैसे एयरलाइन चीज है ना, एयरलाइन चीज आपके पास एलपीजी जो आप यूज करते हो उसके लिए आप जो गैस कनेक्शन है, मोबाइल फोन की सारी टेलीकॉम इंडस्ट्री है, तो इस तरीके की है जहाँ पर आपके क्या फ्यू सैलरी अवेलेबल है, बहुत सारे बायर्स है। अब वो देखो आप टेलीकॉम इंडस्ट्री में कितनी कंपनियाँ आपको जानते हो, मेनली आप तीन को जानते हो, एयरटेल जियो बीएसएनएल और ये वीआई, अभी चार के ही मेन है, बाकी सब आए गए ऐसे ही है ना, तो चार के ही ज़्यादा आपके यूजर्स है जिसमें भी आपका डोमिनेंट करती है आपकी रिलायंस जियो, तो ये आपका क्या फ्यू सेलर की कैटेगरी। एयरलाइंस में देखिए आप कितनी एयरलाइंस है, एयर इंडिया है ठीक है, और जो भी आप देखते हो तो मतलब किंग फिशर की है अभी भी मतलब, और वो अभी एयर इंडिया को टाटा ने ले लिया अभी जैसे, तो टाटा एयर इंडिया हो जाएगी आपके पास है ना, तो ऐसे जो आपके पास मतलब ये सब इसके क्या है ओलिगोपोली का एग्जाम्पल है। अब ओलिगोपोली में क्या होते हैं, यहाँ पर ना एक सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात आती है क्या, कि यहाँ पर ना ये कंपटीशन भी कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं कोऑपरेटिव भी कर सकते हैं। अगर देखो बात ध्यान से सुनना, जब आपकी रिलायंस जियो आई, मैंने उससे पहले एक दिन आपको एग्जांपल दिया था, रिलायंस जियो आने से पहले ये क्या कर सबका एक था कि कोऑपरेट करके प्राइसेज इंक्रीज करेंगे और प्रॉफिट कमाएंगे, इनका ये था कोऑपरेशन का। लेकिन जियो ने आते क्या कर दिया, कंपटीशन कर दिया, और कंपटीशन करते हैं उन सब के प्रॉफिट्स को कम कर दिया। मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, ओलिगोपोली में अगर कोई कंपटीशन करेंगे एक दूसरे के साथ तो इनके प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे, और ओलिगोपोली में कोऑपरेट करेंगे एक साथ तो सभी प्रॉफिट कमाएंगे मिलकर। जैसे बाद में अब मुकेश अंबानी जैसे कंपटीशन के बाद अब रिलायंस जियो ने क्या किया, इन सभी के साथ कोऑपरेट करने लग गई, सभी कोऑपरेट करने लग गए, एंड देन अभी सब प्रॉफिट कमा रहे हैं, प्राइसेज इंक्रीज करते तो मीटिंग में सब एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं कि आप सभी बढ़ाएंगे, डेटा देखो आपको एक साथ बढ़ाते हैं सबको, देखा होगा आपने कोऑपरेशन है ये, एक भी नहीं बढ़ाएगा तो उसके सारे कस्टमर वहाँ चले जाते हैं, और इसके एग्जांपल दिखाऊंगा मैं, यहाँ पर भी प्रैक्टिकल भी दिखा लगेगा यहाँ पर भी पता लगेगा। तो ओलिगोपोली समझ में आया क्या होता है, अब मैं एक बात बताऊँ, अब रिलायंस जियो आप एंटर करी तो मेरे को ये बताइए क्या कोई फर्म अपना आउटपुट डिसाइड कर सकती है, भाई हमारे कितने कस्टमर होंगे, प्राइसेस कैसे कर सकती है, कंपटीशन दूसरा कर दिया तो कम, मेरी बात समझ में आई ना, रिलायंस जियो की अब उसको देखना पड़ता है वो क्या कर रहा है। ओलिगोपोली का सबसे बड़ी खास बात है ना, तो आप आउटपुट बता सकते ना आप प्राइस बता सकते,
मेरी बात समझ में आई आपको? ना आउटपुट पे आपका फोकस हो सकता है ना प्राइसेस पे, क्योंकि दूसरे को देखना पड़ता है दूसरा क्या कर रहा है। ऐसे तो सारे मार्केट है, लेकिन ओलिगोपोली में क्योंकि कुछ ही है, आपको पता है। एक तो आपको देखो मोनोपोलिस्टिक में पेन इसका नहीं तो इसका ले लो, पता नहीं लगता, हाईलाइट नहीं होती उसमें चीज़ें। यहाँ पर आपको पता है भाई वोडाफोन के कम हो रहे हैं तो वोडाफोन शिफ्ट कर गए, इसमें इसमें पोर्ट करा लिया, इसमें पोर्ट करा लिया, नंबर सेम ही आजकल, यही तो सिस्टम हो रहा है ना। तो इसमें क्या है ना, तो आउटपुट मिलेगा आपको ना ही आपको प्राइस। तो क्या आपका ओलिगोपोली ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर होता है जहाँ पर फ्यू सेलर होते हैं, यहाँ पर क्या होते हैं फ्यू सेलर होते हैं और बहुत सारे आपके बायर होते हैं। सेलर आपस में डिपेंडेंसी होती है भाई, देखो म्यूचुअल डिपेंडेंस सबसे इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक मैंने अभी बता दी कि कोऑपरेशन करें या क्या करें, एक दूसरे को कंपटीशन करें, ठीक है। इसमें जैसे कि कंपनीज बाई कंपनीज है, एयरलाइंसीज है, आपको मैंने अभी टेलीकॉम का एग्जांपल दिया, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो एक दूसरे के स्टेप से रिएक्ट करते हैं, एक दूसरे के स्टेप से वो रिएक्ट करते हैं। देखो अब ध्यान से देखिए, ऑनलाइन सेलर कौन कौन थे, अमेजन और भी आपको स्नैपडील का भी देखा होगा पहले, है ना। अभी एक और मीशो आ रहा है, कुछ और ऐसे आ रहे हैं, कुछ ही है ना अभी भी। फ्लिपकार्ट की सेल आई तो अमेजन की आई या नहीं आई, तो सभी एक साथ लेके आते हैं, मीशो भी शायद लेके आया मुझे तो। आप लोग अभी जो हाईलाइट है वो दो ही है आपके माइंड में भी, मतलब मेरे को भी इतना ही पता है, मीशो पे कोई शॉपिंग नहीं कर, लेकिन लोग धीरे धीरे शिफ्ट होंगे क्योंकि वो जब ऑफर देंगे। बस यही है कि एक के स्टेप को दूसरे ने फॉलो करना ही पड़ता है, तो रिएक्शन इसमें चलती रहती है, ठीक है, रिएक्ट करते रहते हैं, ठीक है, ओके। वहाँ पर आपने बोला ग्रुप, यहाँ पर फर्म के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं कार्टल। क्या बोलते हैं? कार्टल। क्या बोलते हैं? कार्टल। ओलिगोपोली में एक तो होती है फर्म, और फर्म के ग्रुप को बोलते हैं कार्टल, ठीक है। एक इंडस्ट्री था, एक आपका ग्रुप बना, एक डिफरेंस ही नहीं बना, एक आपका कार्टल बन गया ओलिगोपोली में, ठीक है। उसके बाद आया कोलिजन का मतलब होता है भाई, कोलिजन का मतलब गठबंधन, साथ में कोऑपरेट करना। भाई सारे कोऑपरेट कर रहे हैं, याद करो जब आपके प्राइसेस बढ़े थे ना तो थोड़े बहुत विरोध हुआ, पर उन्होंने कहा कि हम प्राइसेस कम नहीं करेंगे क्योंकि एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे थे। अगर कोऑपरेट करेंगे तो प्राइस रिजिडिटी मिलेगी, रिजिडिटी मतलब दृढ़ता, मतलब स्थिरता, एक ही प्राइसेस मिलेगा। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके पास, ऐसा कौन सा मार्केट स्ट्रक्चर है जहाँ पर प्राइस रिजिडिटी मिलती है, तो आप कहोगे ओलिगोपोली, ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात। तो ये होगा आपका, और किंग का डिमांड का वो आगे आएगा, लेकिन प्राइस रिजिडिटी किसकी करेक्टरिस्टिक्स है, ओलिगोपोली, और ये भी किससे है आगे पूरा डिटेल में आएगा, ठीक है। इसके फीचर्स क्या, देखो फ्यू सेलर है, मैनी बायर्स है, होमोजीनियस और डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट कैसे भी हो सकते हैं, बाइक आपकी अलग अलग भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है, म्यूचुअल डिपेंडेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, यूनिफॉर्मिटी होती नहीं है, सभी के इक्वल साइज नहीं होते। अब देखो बाइक इंडस्ट्री में जो आपकी है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, इसके पास हीरो के पास 75% शेयर है, सुजुकी के पास सबसे ज़्यादा शेयर है ना। तो ये अब इसमें देखो टेलीकॉम इंडस्ट्री में जियो के पास अकेला 60% शेयर है, बाकी सारे आगे। तो मतलब यहाँ पर कुछ फॉर्म स्मॉल भी होगी, कुछ बड़ी भी होगी, इस तरीके की करेक्टरिस्टिक्स होती है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा होते हैं, हर चीज़ के देख लो आप, बाइक के कितने एडवर्टाइजमेंट आते हैं, ठीक है, रिलायंस के भी आते हैं, मतलब इसके क्या बोलते हैं एयरलाइंस के भी आते हैं, हर चीज़ के आते हैं, कार के भी आते हैं, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होते हैं एडवर्टाइजमेंट। और देखो इसमें ना मोनोपोली के ही एलिमेंट होते हैं, क्योंकि कुछ ही लोग हैं। अब देखिए मेरी बात ध्यान से देखिए, मुकेश अंबानी मतलब सॉरी रिलायंस जियो ने कर लिया ना थोड़ा कुछ मोनोपोली का, कुछ इस तरीके से कि उसी के पास ज़्यादा कस्टमर बेस है ना, तो कुछ एलिमेंट होते हैं, ठीक है। और प्राइस रिजिडिटी मैंने बता दिया, कीन कंपटीशन होते हैं एक दूसरे के साथ, कुछ भी अनसर्टेन नहीं होता, सब कुछ अनसर्टेन, देख लिया आपने अभी इसका भी, सब प्रैक्टिकल लाइफ से ऐड कीजिए, आपको सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नॉन प्रॉफिट मोटिव, देखो ये क्या है, मुकेश अंबानी का वो बताओ, रिलायंस जी को क्या एग्जांपल था, प्रॉफिट कमाना था स्टार्ट में, क्या था क्या मोटिव था, नहीं वो ऑब्जेक्टिव क्या था, नॉन प्रॉफिट तो हो ही जाएगा, प्रॉफिट नहीं तो नॉन प्रॉफिट नहीं, नहीं नेट तो वो हमारा वो थोड़ी लगता है, क्या था कि कस्टमर बेस बनाना, कि भाई हम ना अपने लोगों को अपना मार्केट को हम वो करेंगे एक्सपेंड करेंगे बनाएंगे, तो यहाँ पर नॉन प्रॉफिट मोटिव था, सबको फ्री में दिया, देन आपका पूरा पूरा मार्केट कैप्चर्ड कर लिया, कस्टमर को अच्छी से कस्टमर जो है उसको अपना कस्टमर बनाए रखना, ये ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। कहाँ पर आ गया, सेल्स मैक्सिमाइजेशन, सेफ्टी, मार्केट शेयर, ये सब आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं। बैरियर्स होते हैं आपके,
ठीक है, जैसे टेक्निकल बैरियर हो गए, इस तरीके का आपको हुआ। अब कौन कौन सी ओलिगोपोली थी, ये एग्जाम में आ जाती है। एक तो होती है परफेक्ट ओलिगोपोली और एक होती है इम्परफेक्ट ओलिगोपोली। परफेक्ट का मतलब होता है सारी फर्म एक जैसा प्रोडक्ट बनाए तो क्या हुआ, परफेक्ट ओलिगोपोली, और सारी फर्म आपके डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट बनाए तो क्या होगी, आपकी इम्परफेक्ट ओलिगोपोली। अब ध्यान से सुनते चले जाना, आप फिर से सुनो, मैंने जो ओलिगोपोली में बताया, ओलिगोपोली में क्या बताया, फ्यू सेलर मैनी बायर, ठीक है, प्रोडक्ट आपका डिफ्रेंशिएट भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है, म्यूचुअल डिपेंडेंट सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक्स में से एक है, कुछ भी सर्टेन नहीं होता, सब कुछ अनसर्टेन होता है। फर्म अगर मतलब कोलिजन्स गठबंधन करती है तो क्या करेगी, प्रॉफिट ज़्यादा कमाएगी, और नहीं करेगी, नहीं गठबंधन करेगी तो प्रॉफिट कमाएगी, प्राइस रिजिडिटी मिलेगी, और नहीं करेगी तो कंपटीशन होगा, प्रॉफिट कम होंगे, ठीक है। नॉन प्रॉफिट मोटिव होता है कि सेल्स को मैक्सिमाइज करना, आपका मार्केट शेयर को एक्वायर करना, तो ये सब आपके ऑब्जेक्टिव्स पड़े। और ये अभी टाइप में पढ़ रहे हैं, होमोजीनियस है तो आप परफेक्ट बोलेंगे, होमोजीनियस नहीं है तो हेट्रोजीनियस है तो इम्परफेक्ट, ठीक है। उसके बाद आया ओपन और एक आया क्लोज। ओपन का मतलब कोई आए कभी चले जाए, क्लोज का मतलब बैरियर लगी हुई है, ठीक है। एयरलाइंस की केसेस में, टेलीकॉम में बैरियर होती है, ऐसे नहीं कोई कोई अपनी खुद की कंपनी खोल लेगा। एक बात बताओ, चलो एक छोटा सा एक एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं। हाँ, एक होती है पार्शियल और एक होती है फुल। पार्शियल का मतलब क्या होता है भाई आपका, कि कोई भी आपकी मतलब पार्शियल मतलब आपकी कोई डोमिनेंट फर्म होगी, जैसे कि कार इंडस्ट्री, इसमें बाइक इंडस्ट्री में आपके क्या है, हीरो के पास 75% शेयर है, सुजुकी कार के केसेज में है, इसमें 60% ही शेयर, मतलब कोई ना कोई डोमिनेंट फर्म होती है, एक फर्म होती है इस पर और मतलब मार्केट शेयर ज़्यादा होता है। और एक ना ऐसी होती है फुल ओलिगोपोली, कोई डोमिनेंट फर्म नहीं होती, सारे एक जैसे होते हैं। अब एयरलाइंस की बात करें तो इनमें ऑलमोस्ट सब एक जैसे हैं, तो ये क्या हुआ आपकी पार्शियल में, मतलब कोई डोमिनेंट फर्म होगी एक बड़ी फर्म, उसमें आपकी कोई डोमिनेंट फर्म होती नहीं है। कॉलेजियो का मतलब होता है कि एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, कोऑपरेट करते हैं। नॉन कॉलेजियो का मतलब कंपटीशन करेंगे, पहले ये कंपटीशन कर रहे थे टेलीकॉम इंडस्ट्री वाले, अब ये कोऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। और दोनों का मैं बता चुका हूँ कि क्या क्या होगा, ये देखो क्या लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर लिखा हुआ कि किसी भी फर्म का आउटपुट एंड प्राइस फिक्स नहीं होता, दोनों इनडिटर्मिनेंट होते हैं। क्यों, पहला क्या रिएक्ट करेगा दूसरा करेगा, दूसरा क्या करेगा पहला फिर से करेगा, पहले ने क्या रिएक्ट किया तीसरा करेगा, तीसरा करेगा, तो आपस में ऐसे रिएक्शन होता रहता है। तो ना तो किसी का प्राइस आपका फिक्स होता है और ना ही आपका आउटपुट फिक्स होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर कहीं पे भी इक्विलिब्रियम के कंडीशंस नहीं बताएंगे हम आपको, मतलब वो कि क्या कमाएगा क्या नहीं पता ही नहीं है, ना प्राइस का पता ना आउटपुट का पता, ठीक है। क्यों पता भी लग गया ना, क्योंकि एक दूसरे को रिएक्ट करती है, और रिएक्ट करते ही तो कहाँ आउटपुट करेंगे, उसने सेल प्राइसेस कम किया तो ये कहाँ फिक्स करेंगे, ये बने कम कर लेंगे, उसने कम कर दिए वो कम कर लेगा, और वह उसने बढ़ाया दूसरा बढ़ा लेगा, तो ऐसे ही होता है, रिएक्शन कम होता है, ठीक है। और इसके रीज़न है भाई, सबके डिफरेंट बिहेवियर पैटर्न है, कौन कैसा बिहेव करेगा, ठीक है। आपका डिमांड का वो नहीं पता किस तरीके से चलेगा, उनमें तो पता है आपको मोनोपोली परफेक्ट में आपका ऐसे होता है, आप क्या कहेंगे इसमें है ही नहीं आपका डिमांड का, वो पता ही नहीं लगेगा किस डायरेक्शन में, किंकर डिमांड का मैंने कहा, किंकर का मतलब ये होता है, ये देखो किंकर का मतलब है ये, अभी तक आपने क्या पढ़ा, परफेक्ट में ये चल गया, ये एक भी चला गया, एक थोड़ा ज्यादा इलास्टिक कर देंगे तो किसमें चला गया, मोनोपोलिस्टिक में, ये देख लिया आपने। अब इसमें ऐसे बनता है नहीं, इतना तो नहीं बनेगा, इतना तो कम भी नहीं करना। अब ये मान लो किसी ने रिएक्ट किया तो ऐसा बन जाएगा, किसी ने रिएक्ट किया तो ऐसा बन जाएगा, बात समझ रहे हो, अलग अलग तरीके के डिमांड का बनेंगे, किंकर मतलब कोने बनेंगे, यहाँ पर किंकर का मतलब होता है कोनेदार, मुझे पता ही नहीं होता कौन किधर जाके मुड़ जाएगा, इसमें तो देखो थोड़ा थोड़ा चेंज आ रहा है स्लोप वाइज, यहाँ पर ऐसा नहीं होता, इसलिए क्या होता है आपका आप पता नहीं पाते कि क्या आउटपुट होगा क्या वो होगा, ठीक है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ये ऑब्जेक्टिव नहीं होता, तब ये ऑब्जेक्टिव नहीं है तो फिर आपका क्या है, पता ही नहीं लगेगा किस पर आपको डिटरमाइन करना है, तो इस वजह से ना आपका आउटपुट फिक्स हो सकता ना आपका प्राइस फिक्स हो सकता, आई बात समझ में, ठीक है। और ये वही आपका मतलब क्या रीजन है कि ओलिगोपोली हो जाती है, इनोवेशंस हो जाते हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स, कंट्रोल ऑफ एसेंशियल रिसोर्सेज पे कंट्रोल होता है, लीगल आपके रेस्ट्रिक्शंस लगे होते हैं, सक्सेसफुल डिफरेंशिएशन कर पाते हो आप,
ठीक है, लार्जर फिक्स कॉस्ट होती है तो आप नहीं लगा पाते, जैसे कि इसमें टेलीकॉम इंडस्ट्री में आपके जो फाइबर की कॉस्ट है, टावर्स की कॉस्ट है, बहुत सारी कॉस्ट है ये जो आपकी करनी पड़ती है आपको, बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट चाहिए। तो इसलिए आप क्या करें कि मतलब इन रीजन्स की वजह से आपकी मोनोपोली ओलिगोपोली क्या होते हैं, इनोवेशंस नए नए इनोवेशंस आ रहे हैं, टेलीकॉम जियो आ गई, 5G स्पेक्ट्रम आ गया, इकोनॉमी जब स्केल जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी वो होगी, कंट्रोल ऑफ एसेंशियल रिसोर्सेज उन्हीं का कंट्रोल है, ठीक है, लीगल रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए हर कोई नहीं जा सकता, सक्सेसफुल डिफ्रेंशिएट कर पाते ओलिगोपोली बना पाए आप, ठीक है, लार्ज फिक्स कॉस्ट है तो जो बियर कर पाएगा वही बनेगा, मर्जर कर लिया, वोडाफोन आइडिया है, मर्जर हो गया, कंपनी फॉर्म कब हो गई, ठीक है, ओके। कुछ मॉडल है, देखो कुछ मॉडल है आपके, उसमें क्या कहते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि प्राइस और आउटपुट दोनों इंडिटर्मिनेंट है, ठीक है ना, आपके प्राइस बता पाते आपके कितना कर पाओगे आप, होना ही आपके आउटपुट बता पाओगे, प्राइस और आउटपुट दोनों के आपके इंडिटर्मिनेंट है। देखिए अब कुछ मॉडल आए आपके पास, कुछ मॉडल आज हम करेंगे जो ये बताएगा कि कैसे हम आउटपुट को मतलब फिक्स करती है, कैसे फर्म एक दूसरे को रिएक्ट करती है नहीं करती, कैसे आपका आउटपुट फिक्स होता है। तो सबसे पहले आपका ना कोलिजन्स बेसिस मतलब कि गठबंधन बेसिस, देखो कैसे, सबसे पहले आपका आया ओल्डेस्ट, पहले एक क्वेश्चन ये आएगा कि इसको ना अरेंज करो ईयर वाइज, सबसे पहले आया कुर्नो का मॉडल 1838 में, ठीक है, सेकंड आया आपका बर्टान का मॉडल 1883 में, फिर आया एजवर्थ का 1897 में, और फिर आया पोल्सविजी का कब आया 1939। पहला क्वेश्चन तो ये आ गया, तो ओल्डेस्ट मॉडल कौन सा हुआ, कुर्नो का मॉडल, कब आया आपका 1838 में, फिर आया आपके पास बर्टान का 1883 में, फिर आया एजवर्थ का 1897 में, और फिर आया पोल्सविजी का 19। एक क्वेश्चन यहाँ से बता देता हूँ कि किंकर डिमांड का आपने पढ़ा वो पोल्सविजी से रिलेटेड है, और किंकर डिमांड का ओलिगोपोली किंकर, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है, फिर से सुनिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, सबसे पहले आया किसका, कुर्नो का मॉडल 1838 में, फिर कौन सा आया, बर्टान का मॉडल, कब आया 1883 में, फिर आया एजवर्थ का 1890, फिर आया आपका पोल्सविजी का कब आया, ठीक है ये याद हो गए आपके पास, ठीक है। अब एक एक करके हम मॉडल को समझ लेते हैं, क्वेश्चन तो आपके हो गए यहीं से आने वाले, कुछ मैं बता रहा हूँ आपको मॉडल। सबसे पहले कुर्नो का मॉडल देखिए, ये कुर्नो का मॉडल है, इसमें मैं कैसे है इसमें बता देता हूँ, इसमें एक एग्जाम्पल है अभी समझ में आ जाएगा आपके पास। दो फर्म है, ये जितने भी मॉडल है ना, एक बात याद रखना, ये जितने भी मॉडल है सभी ड्यूपोली के बेसिस पे, ड्यूपोली मतलब दो ही फर्म है, और क्या है, और देखिए एक बार और समझ इसमें देख लीजिए, फिर यहाँ बना के दिखाता हूँ आपके, यहाँ पर क्या है, ये अजम्पशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, अजम्पशन क्या है आपकी, देर आर ओनली टू फर्म्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जीरो, मतलब कोई प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं है, याद रखनी है बात आपने, यानी कि टोटल रिवेन्यू इज इक्वल टू टोटल जीरो कॉस्ट है, टोटल रिवेन्यू इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट, जब कॉस्ट ही नहीं है तो सारे प्रॉफिट ही हो गए ना, टोटल रिवेन्यू टोटल प्रॉफिट, बिकॉज देर इज नो कॉस्ट, ना फिक्स कॉस्ट है ना आपकी वेरिएबल कॉस्ट है, टोटल रिवेन्यू इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट, नंबर ऑफ बायर्स आपके लार्ज है, और ईच फर्म अपना आउटपुट डिसाइड करेगी, प्राइस डिसाइड नहीं कर रही, क्या डिसाइड कर रही है, तो यानी फिक्स क्या आपका, प्राइस आपका फिक्स नहीं है, ठीक है, प्राइस आपका, ये देखो ये एक अजम्पशन पे बेस पे काम करती है कि आउटपुट आपका कांस्टेंट रखेंगे, कांस्टेंट का मतलब जैसे मान लो अभी बताएंगे इसका भी, अभी देखो आप कैसे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक फर्म है, इसमें एक मार्केट है जहां पर दो फर्म है ए और बी, ए और बी आपके दो फर्म है, टोटल जो डिमांड है प्रोडक्ट की, टोटल जो डिमांड है मतलब आपके वो आपकी है, दो हजार यूनिट्स, कितनी है, 2000 है, ठीक है, फर्म ए ने एंटर किया और ए ने अपना आउटपुट का हिस्सा लिया 1000 और साइड में हो गया, ये किसका है, ए का, ठीक है, अब कितनी डिमांड बच गई मार्केट में, 1000 बच गई ना, अब 1000 में से, अब देखो एक अजम्पशन के बेसिस पे
फर्म भी एंटर कर रही है, रिएक्ट कर रही है, क्या रिएक्ट कर रही है कि इस अजम्पशन के बेसिस पे कि फर्म ए अपना आउटपुट चेंज नहीं करेगी और अपने हिस्से की डिमांड लेकर वो साइड में हो जाएगी। बची हुई में से 1000 बच रहे थे ना, 1000 में से ये किसका हो गया, बी का पार्ट चला गया। कितनी, अब बी का कम कर दो, टोटल में से बी का कम कर दो, कितना बचा, नहीं टोटल में से 1500। पहले देखो ए ने एंटर की, ए ने टोटल में से अपना निकाला साइड में, कितना बचा था 1000, 1000 में से बी एंटर करते अपना निकाला आधा, 50% निकालते चले जाओ, कितना बचा 500। अब कितनी रिमेनिंग रह गई, इसको छोड़ के 1500 रह गई, 15 रह गई, उसका निकाल दो बाकी छोड़ दो। बी ने कितना निकाला, कितनी बच गई टोटल में से, अब बी ए के पास कितना आया, हाँ ठीक बोल रहा हूँ, नहीं आई समझ में, देखो पहले ए ने एंटर की, कितना आया इसके पास 1000 रुपये, क्योंकि 2000 टोटल था। बी ने एंटर किया, इसने कितने छोड़ दिया था, 1000 छोड़ दिया था, मतलब 1000 बच गया ना, तो उसने अपना हाफ लिया 500। अब बी के पास कितना है, अब ए की बारी आ गई ना, ए की बारी आ गई ना, ए अब बी ने 500 ले लिया, 2000 में से 500 कम करो, कितना आया 1500 में से हाफ ले रहा इसने, कितना बचा 750, 750 कम कर दो, कितने में से 2000 में से, हाँ तो टोटल में से ही देखना है ना, आप इनका इनका शेयर निकालते चलो। देखो हाँ यही तो मैं बोल रहा हूँ ना, 1000 पहले केस में आपने लिया, हमारी ये अजम्पशन है कि वो अपना आउटपुट चेंज नहीं करेगा, 1000 लिया बचा कितना 1000, 1000 में से वो अपना ले लेगा, कितना बचा, कितनी बच गई रिमेनिंग डिमांड, रिमेनिंग नहीं मतलब उसको इसका शेयर काट दो बस, इसका 1500 में से हाफ वो ले लिया, कितना बच गया 750। अब इसने अपना शेयर ले लिया कितना, अब इसका शेयर कितना हो गया, कम हो के 750 हो गया, टोटल में से 750 आपका कम हो के 750 पे आ गया, पहले 1000 था अब इसका आ गया 750। समझो इस बात को, कुर्नो का मॉडल क्या कर रहा है, एक दूसरे को देख के आप क्या कर रहे हो, देखो आउटपुट चेंज नहीं करेंगे और अपने हिस्से की डिमांड लेते चलेंगे, मेरी क्वेश्चन समझिए आप बात, मैं कह रहा हूँ कि वो अपना आउटपुट चेंज नहीं करेगा और सिर्फ अपने हिस्से के शेयर लेते हुए चलते चलेंगे। बची हुई में से आपने हाफ निकालना है हर बार, बची हुई में से, ठीक है 1000 लिया तो कितना बच गया, 1000 का कितना बच गया, कितना मतलब आप कितना 500 इसने ले लिया ना 500, अब ये जो है ना 500, अब टोटल में से कम करना है हमेशा, ये हमने भी टोटल में से कम किया था ना, अब इसको भी टोटल में से कम करो, कितना बचा 1500 का हाफ कम करो, कितना हुआ 750, 2000 में से 750 कम करो 1250, तो 1250 का हाफ करो, क्योंकि बची हुई है ना, बची हुई में से लेनी है आपने, बची हुई में से आप लेना है, तो ये इसका कितना आया 625, इतना आया ना, ठीक है अब 625 2000 में से कम कर दो, कितना बचा 1375। अब इसका फिर से 2 से डिवाइड करो, इसका आया कितना, इसका 625 आ गया था, 687.5 आ गया, फिर इसको कम किया जाएगा देखो, और फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा और यहाँ पर दिखाया गया, देखो आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ लिखा हुआ है या नहीं लिख रखा, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होगा, वही इनका इक्विलिब्रियम पॉइंट बन जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये 2000 थी, फर्म ए ने अपना लिया 1000 का और फिर फर्म बी ने क्या किया, ये देखो 2000 थी, पहले फर्म ने लिया प्रोडक्शन स्टार्ट किया 1000 बनाएगी, फिर फर्म अपना हाफ लेगी, हाफ कितना हुआ 1000, देखो कितना बचा हुआ हाँ आपका 1000 बचा, 1000 का 500 ले लिया, ठीक है फिर ये कितना हुआ टोटल का 1/4 हुआ, तो कितना बच गया 1500, तो 1500 का अब हाफ 750, ये प्रोसेस जब तक चलते रहेगी जब तक दोनों फर्म का आउटपुट सेम ना हो जाए, कम होता चला जा रहा है ना, देखो अब इधर देखिए आप क्या हो रहा है, समझ लो इस बात को, इधर देखो इसका तो कम हो रहा है इसका बढ़ रहा है, नेक्स्ट स्टेप स्टेज पे क्या आएगा कि एक दूसरे के इस पे इक्वल होगा, ये 666 पे हो जाएगा आपका इक्वली, समझ में आई या नहीं बात, हाँ तो वही तो कम किया है,
तो उसमें से कम किया था भाई, कब किया मैंने? कब किया 750? देखो फिर से देख, 1000 साइड हुआ, कितना बच गया? कितना आया? कितना बच गया? 1500 का हाफ 750 किया, 750 2000 में से कम किया, कितना बचा? 1350 वो बचा, 1250 625 आ गया। यही तो कर रहे हैं ना आप, 625 कम करेंगे तो ये वैल्यू आ गई 687.5। 687.5 को कम करो, जो बच गया उसका हाफ, इसका हाफ आप करते चले जाओ। आ रही समझ में? आप पेन को भी चलाइए, आपको समझ में आ जाएगी। जब तक एक दूसरे के इक्वल ना हो जाए। अब इसमें से क्वेश्चन क्या आएगा, मैं बता चुका कि जो कुर्नो का मॉडल है, पहले तो सारे मॉडल ही ड्यूपोली के बेसिस पे है, ओलिगोपोली के। एक कौन सा कब आया ये पता होना चाहिए। अब इसमें क्या है, आउटपुट आपका राइवल फर्म का रिमेन कांस्टेंट रहेगा आउटपुट। ये अजम्पशन है कि वो दूसरा चेंज नहीं करेगी। जब उसने अपना 1000 में से निकालने लगे तो उसका अजम्पशन थी कि वो अपना 1000 ही रखेगी। जब उसने दोबारा 500 के बाद किया तो उसने अजम्पशन थी कि वो 500 रखेगी। मैं आप ले लेता हूँ, हमेशा ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। ये तो थी किसकी, कुर्नो का मॉडल। और ये कब तक चलता रहेगा, जब तक ये दोनों का सेम नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा देखो, दूसरा आया आपका बर्टान का मॉडल। ये देखो इस उसमें क्या माना था आपने, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ आपको, उसमें क्या कांस्टेंट माना था और इसमें क्या कांस्टेंट है, ये याद रखना किसमें कांस्टेंट प्राइस है किसमें वो है। नेक्स्ट मॉडल आया, अब इसमें प्राइस आई, सेम वही बात है जो अजम्पशन वहाँ पड़ी आपने, दो ही फर्म है। और यहाँ पर मेन है रिएक्ट करेगी फर्म, क्या करेगी? तो आपसे क्वेश्चन आएगा कि रिएक्शन कर्व किससे रिलेटेड है, तो आप कहेंगे रिएक्शन कर्व आपका बर्टान मॉडल से रिलेटेड है, किससे, ठीक है। अब इसमें देखो ये क्या हुआ, अब इसमें देखो ऐसे चलता है आपका, इसमें वो बना नहीं हुआ ग्राफ, मैं बना के दिखाता हूँ। हाँ भाई देखिए, मान लो एक फर्म इधर ए है और इधर फर्म भाई बी है, ध्यान से देखते चले जाना। फर्म बी ने इस प्राइसेस पे ये आउटपुट की सप्लाई की, ये आउटपुट की सप्लाई कर रहा है, ठीक है। फर्म बी ए, आपने कौन सी, ए ने, अब फर्म बी आई एंटर करेगी और इसे तो क्योंकि भैया ओलिगोपोली है इसे कम प्राइसेस रखेगी, लाइक जैसे जियो ने एंटर किया तो प्राइसेस कम रखने पड़े, ये कम प्राइसेस रखे तो अब कम प्राइसेस करेंगे थोड़ा ज़्यादा आउटपुट बेचेगी। मैंने क्या कहा, रिएक्शन करेगी, तो अब ये रिएक्ट करेगी या नहीं करेगी, करेगी तो इसने प्राइसेस ये रखा तो ये रख लेगी, और इसने ये रखा है तो इसने ये रख लेगी, समझ पा रहे हो बात को? हाँ भाई, कुछ समझ में आया बात को है? जब भी कंपटीशन कर रहे होते हैं कई बार तो कॉस्ट से कम करनी पड़ती है। और इसका एक एग्जांपल ये था, हमारे गांव में दो आटा चक्की है, मेरे को अच्छे से ध्यान है, तो उन्होंने क्या किया, पहले ना 50 पैसे रुपए केजी का रेट होता था, उन्होंने क्या किया कम करना स्टार्ट हुआ, तब ना वो अठन्नी भी चलती थी आपकी, तो उसने कम किया, उसने 40 पैसे कर दिए, उसने कर दिया 30, उसने 25 कर दिए, उसने 10 पैसे कर दिए, उसने फ्री कर दिया, सुनो आगे सुनो, उसने फ्री कर दिया, उसने कहा फ्री भी और दो टॉफी फ्री, मतलब आप हमसे आटा पिसवाइए और आपको ये चीज़ मिलेगी। तो इतना कंपटीशन है, तो आप देखिए, आप तो कॉस्ट की बात कर रहे हो, घर से और दे रहे हैं, है ना, ये देखिए। तो ये होता है आपका इसमें, और इसमें आप कब तक कंपटीशन करेंगे, कब तक जियो तक कंपटीशन करेंगी ये, फिर क्या करते हैं भाई आपस में ना एक एग्रीमेंट कर लेते, तंग आ गए दोनों कम करते करते, भाई दोनों को लॉस हो रहा, समझ में आ गया कि भाई कंपटीशन का कोई फ़ायदा नहीं है, तो दोनों क्या करती है ऐसे ऐसे करते हुए अपना भाई कह देते कि दोनों फर्म की भाई आप हम मिलकर अपना आउटपुट डिसाइड कर लेते हैं,
प्राइस चेंज नहीं करेंगे, देन सुन लेना मेरी बात, इसमें प्राइस कॉन्स्टेंट है। आप अपने आउटपुट ले लो, मान लो 2000 की है भाई, आप 800 बेच ले रहा, मैं 1200 बेच लूँ, जो भी है उनका, फिर वो क्या कर लेते हैं अपना शेयर बांट लेते हैं, मर्ज नहीं कर रहे, बस अपना डिसाइड कर लेते कि हमें कितना करना है, आगे समझ में, तो ये कर लेती है लास्ट में। क्लियर हो गई बात आपने? ठीक है, ये तो होती किसकी, बटान की मॉडल। बटान ने क्या कहा कि भाई वो एक दूसरे को रिएक्ट करते हैं। इसके बाद ना इसी का एक एक्सटेंशन आ गया, एजवर्थ। एजवर्थ ने क्या कहा, बस यही चीज़ है इसमें, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें क्या चीज़ आई आपकी, आपका यहाँ देखो ये आई, इसको मैं थोड़ा, ये एजवर्थ वाला समझ में आ गया आपको, इसके बाद बटान वाला कि ये रिएक्ट करेंगे। इसने देखो ये किया, इसने अपने प्राइसेस कम किए, इसने कर दिए, ये और प्राइसेस कम करेगा, ऐसे ऐसे चलता रहेगा, आउटपुट बढ़ता रहेगा। अब एजवर्थ ने क्या कहा, एजवर्थ ने देखो ये कहा कुछ इस तरीके का, इसी का एक्सटेंशन है। एक बात ये भी याद रखना, एजवर्थ का मॉडल बटान का एक्सटेंशन है। देखो इसने क्या किया, दोनों अपने आउटपुट बेच रहे थे, सेम बढ़िया अपने चल रहा था, उन्हीं का जैसे मैंने कहा कि अपना डिसाइड कर लिया था, ऐसा मान लो आप, बेच रहे थे, थोड़ा सा कम किया, ये लो कम कर लिया, कर लिया कम, जैसे कम करेंगे आप इनका शेयर बढ़ जाएगा, ये इस तरीके से हुआ। इसने भी कम कर लिया भाई अपना, भाई कम कर रहे हम भी कर लेंगे, इन्होंने भी कर लिया, ये कह रहा हम और कम कर लेंगे, बोले ठीक है कर लो, बोला ठीक है हम भी कर लेते हैं कम, इन्होंने भी कर लिया है, फिर क्या बोला हम और कर लेते हैं, ये और कम कर लिया, ये कहता है ये वाला, ये जो पर्सन होता है ये कहता है हम भी कम कर लेते हैं, बोला हम और कम करेंगे, बोला तुम और कम करो हम अपना बढ़ा लेंगे, हम अपना प्राइसेज बढ़ा लेंगे। देखो ये क्या कह रहा है, एक लिमिट तक कंपटीशन करने के बाद जो ए फर्म होती है ना वो क्या करती है, वो अपने प्राइसेज, अपने प्राइसेज जो पुराने प्राइसेज होती है ना उस लेवल का बढ़ा के, इस लेवल का बढ़ा के, और ये आउटपुट भेज रही होती है, ये वाला आउटपुट भेज रही होती है, और उसके बाद क्या होता है इसी पर अपने आउटपुट भेज के अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर रही होती है, क्योंकि अब इस पर उसको अपना प्रॉफिट मैक्सिमम हो रहा है। देखो क्या हुआ, फर्म ए ने प्राइस कम किए, बी ने प्राइस कम किए, फर्म बी ने, फर्म ए ने फिर से प्राइसेस कम किए, फर्म बी ने भी किए, फर्म ए ने फिर से किए, फर्म उसने बी ने भी किए, फिर फर्म ए ने बढ़ा लिया, अपना वही आउटपुट लिया ये वाला, और इस पर अपना बेच कर इतना ही आउटपुट कम बेच कर अपना प्रॉफिट कमा रही है। ये किसका है आपका, एजवर्थ का। पहले मॉडल कुर्नो का समझ में आया आपको, कुर्नो का मॉडल कहा था कि भाई एक दूसरे को अपना शेयर लेंगे, आउटपुट कांस्टेंट है। इसमें आपको क्या समझ में आया, उसके बाद आपने बटन एक दूसरे को रिएक्ट करेंगे, फिर अपना लास्ट में एग्रीमेंट पे आ जाएंगे। और इसने क्या कहा कि अपनी ओल्डेस्ट क्वांटिटी को बेचकर, अपने प्राइस पर बेचकर उसी पर अपना करते रहेंगे। ठीक है, तो आज के लिए एक बार इतना है, ऐसा ही होता है उसको अब फायदा इसमें लग रहा है कि इस क्वांटिटी बेचने से उसको फायदा, इस प्राइसेस पे बेचने में ज़्यादा फायदा हो रहा है एज कम्पेयर टू उस पर लॉस हो रहा है। ठीक है, स्विजी का मॉडल है, पोस्ट स्विजी का, किंग का डिमांड का, उसको मैं कल थोड़ा सा उसका डिटेल में है वो आपका, तो मैं कल आपको अच्छे से करा दूँगा, वो एक छोटा सा टॉपिक रह रहा है। ठीक है, कल करेंगे, तीन आपको समझ में आ गए। ठीक है।